श्योपुर जिले में बीजेपी के सदस्यता अभियान के बीच आया इस्तीफों का दौर। किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। श्योपुर में जहां भाजपा के सदस्यता अभियान की बयार बह रही है, जिले भर में छोटे से छोटे कस्बे मजरे टोला पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान को गति देने में लगे हुए हैं, तो वहीं इसी बीच पार्टी के अंदरूनी भीतरघात भी खुलकर सामने आने लगा है। लगातार उपेक्षा का शिकार हुए बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राजावत ने अपनी वर्ष पुरानी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अभी इस इस्तीफे के होने के बाद कई इस्तीफे और भी आ गए हैं और कई बीजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़ने की प्रबल संभावनाएं जताई है। उपचुनाव के बीच इस्तीफे कांग्रेस की बुनियाद को मजबूत करने का काम करेंगे। इस्तीफा देने की मुख्य वजह दीपेंद्र राजावत ने बीजेपी पार्टी में गुटबाजी, स्थानीय भाजपा नेताओं की दलाली और प्रशासन बाजी को बताया है। उन्होंने बताया कि मूलभूत सुविधाओं के लिए आमजन को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, धिक्कार है ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार पर। दीपेंद्र राजावत ने ये भी आरोप बीजेपी पर लगाए हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने का काम किया था। देखिए श्योपुर संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की। दीपेंद्र जी, आपने एक इस्तीफा आपका एक आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या वजह रही है? आपने भाजपा छोड़ दी, परसों से आप भाजपा के लिए काम कर रहे थे, ऐसे क्या कारण बने हैं कि उपचुनाव नजदीक है और आप भाजपा छोड़कर जा रहे हैं, बताइए। भारतीय जनता पार्टी में अब जो पुरानी वो थी वो अब नहीं रही। भाजपा में आप देख रहे होंगे ग्रुपबाजी, जिले देखो चाहे मंडल देखो, उसके बाद आप प्रशासन को देखो, प्रशासन कितना अभी आए दिन आप देख रहे हो पंचायतों में कितना बुरा, जनता को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। मतलब हमारी सरकार होते हुए भी हम जनता के काम नहीं करा पा रहे, हमारे नेता काम नहीं करा पा रहे, तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य था। और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, आप जान रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, मतलब कितने उसको लेके अपने वो रखे, उसके बाद इतने वर्षों संघर्ष किया, उसके बाद सरकार आई और आज ये हालत हो रही है कि लोग बागों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है हमारे खिलाफ, हम मीन्स पार्टी के खिलाफ। तो आपने ये जो नाराजगी है आपकी कि शासन काम नहीं कर रहा है, प्रशासन हावी हो गया, इसकी शिकायत भी आप कर सकते थे, आपके तो संबंध विधानसभा अध्यक्ष और उनके जो पुत्र उनसे भी अच्छे माने जाते हैं, इस शिकायत को भी आप कर। अगर आज माननीय नरेंद्र सिंह जी सांसद होते तो इससे पहले ऐसी दुर्दशा हुई थी क्या? आप देख रहे होंगे कि मतलब ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि ग्रामीणों को सड़कों पर उतरना पड़ा हो। आप देख रहे हो डीपी के लिए आज से एक महीने डेढ़ महीने पहले तहसील पर चक्का जाम की स्थिति निर्मित हुई थी। आपने भी चार दिन पहले आपके चैनल के मार्फत हमने देखा था यहाँ पे तहसील जनपद के सामने कितना बड़ा आंदोलन किया था। ये क्या है यहाँ पे? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लग रहा, कोई नेता मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि जो जनता के काम कर सके। अब हम किसके सहारे राजनीति करें? तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी है कि आप कहीं ना कहीं प्रशासन से, प्रशासन की तानाशाही से परेशान है और पार्टी में रह के सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे थे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या अब आप व्यवस्थाओं के लिए पार्टी के खिलाफ भी जाएंगे? पार्टी से तो मैं रिजाइन दे चुका हूं कल, और मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया जिलाध्यक्ष जी ने, मेरी बात हो चुकी है। दीपन जी, कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास का दौर तो आया होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात होंगी आपको मनाने का प्रयास। राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए जनसेवा, ना कि चापलूसी। आप आज देख रहे होंगे हमारे भाजपा के नेता कोई पंचायतों में दलाली कर रहा है, कोई समूह चला रहा है, तो ये अपने उसमें नहीं है। क्या कहते हो कि मतलब बीजेपी की जो अनुशासन है और जो उनकी जो परिभाषा थी जनसेवा की, वो क्या कराल क्षेत्र विजयपुर क्षेत्र में बदल गई है क्या? विजयपुर का तो पता नहीं है, लेकिन कराल में लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं आप देख रहे हैं मेरी और भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात होती है, सब दुखी हैं, लेकिन कोई बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा। जैसे बोल पा रहा है हमसरी की, तो हम आपके सामने हैं आज। कुछ लोग हैं जिनकी मजबूरियां हैं, वो नहीं बोल पा रहे, चुप पे। क्या लग रहा है किस पार्टी में अब आपको अपनी भूमिका निभाएंगे इस्तीफे के बाद, किस पार्टी में जाने का रुख बनाया? मैं स्वतंत्र होना चाहता था और मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। तो क्या अब आप एक समाज सेवी के नाते अपनी लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल, व्यवस्था के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या जरूरत है कराल में, क्या होना चाहिए कराल में? मैंने आपको याद हो 2007 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर पंचायत की घोषणा की थी, उस पर भी हमारे कुछ चापलूस नेताओं ने अमल नहीं होने दिया।
उसके बाद अब अभी नए सीएम साहब ने भी घोषणा करी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो भी अमल हो पाएगा और बन पाएगी। दीपेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं बीजेपी एक बड़ा दल है, बड़ा राष्ट्रीय दल के रूप में ये सामने आया है, तो क्या ये बीजेपी नेताओं की दलाली ही रही कि यहाँ से कांग्रेस लगातार जीतती रही, क्या कारण रहे इसके? मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि जब अभी हाल ही में अपने इतने भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो आपने देखा होगा हमारे 80% भाजपा के नेता कांग्रेस के लिए काम करते थे, ये बात भाजपा प्रत्याशियों को भी पता, मेवरा जी को और सीताराम जी को। तो क्या मतलब मुख्य कारण है दीपेंद्र जी कि ऊपर से कार्रवाई नहीं होती इन पर, जबकि आपको पता है करामत सीएम भी आ चुके हैं, कोई पिछड़ा क्षेत्र नहीं रहा, यहाँ पे राजनीति के सारे सितारे उतर चुके हैं, तो उन तक ये बातें पहुँच रही है, तो कार्रवाई ऐसे नेताओं पर क्यों नहीं होती है, इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि इन पर आलाकमान भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल, मैं जहाँ तक वहाँ तक समझता हूँ, इनकी जो नेटवर्क है वो जिला संगठन में है, जब इनकी कंप्लेंट होती है तो जिला संगठन इनका फेवर करता है, और आला कमान को और उनको वरिष्ठों को गुमराह करके फिनिश कर दी जाती है ये बात। तो इनको पनपाने में कहीं ना कहीं जिला समिति का भी है। बिल्कुल, क्या लग रहा है अभी जो उपचुनाव होने वाला है, क्या समीकरण रहेंगे, आप क्या देखते हो, किस तरह है? अपन इतने बड़े वो नहीं है, लेकिन जहाँ तक वहाँ तक मैं जनता का रुझान देख रहा हूँ वो भाजपा के अपोजिट है। इतनी सौगातें रामनिवासी बांट रहे हैं, आए दिन सड़कों का भूमि पूजन हो रहा है, क्या ये अंतर नहीं लाएंगे ये चीज़? इतनी भी सड़कें बनी हैं, एक आध का तो पहले आप भूमि पूजन करवा दो, जब आगे की सौगातों की बात करना।